हेलो गाइस, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कहा क्या गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है आपको। सेंटर 0 0 है, तो ऑफ कोर्स सेंटर अभी तक आपने 0 0 ही पढ़ा है, लेकिन मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। ओके, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि वो जो इक्वेशन है इलिप्स की, वो इक्वेशन इन दोनों पॉइंट से पास करती है। ना वर्टेक्स दिया, ना फोकस दिया, ना मेजर एक्सिस की लेंथ दी, ना माइनर एक्सिस की लेंथ दी, यानी कि कुछ भी नहीं दिया जिससे ए और बी निकल सके। तो हम सबसे पहले इसकी एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं। देखो ये है हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वाई एक्सिस बोला है इसने, तो वाई एक्सिस का बेस लेंगे, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये रहा। ओके, जैसा इसने बोला वैसा हमने बना दिया। और ये बीच में इसने बोला है सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर से कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा, सेंटर तो 0 0 ही होता है दोनों केसेस में। पासिंग पॉइंट आपको एक तो दे रखा है 3 और 2, यानी कि एक पॉइंट ए मान लेते हैं 3 एंड 2, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 1 एंड 6। सपोज यहां पर दे रखा है बी पॉइंट 1 एंड 6। ओके, ये ए और बी दो पॉइंट्स पासिंग पॉइंट ऑफ इलिप्स है। यस, ये केस कौन सा बना? ये केस सेकंड बना, और केस सेकंड में हमें पता होना चाहिए क्या होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आया आपको? केस सेकंड है, वाई एक्सिस का बेस है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। यहां पर आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है। आपको लिखना है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, और फिर आपको लिखना है ए 3 एंड 2, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके सामने 3 है एंड वाई की वैल्यू 2 है। तो ये जो पासिंग पॉइंट है एक्स की वैल्यू ये यहां रखेंगे, और ये जो आपके पास पासिंग पॉइंट है ये यहां रख देंगे, यानी कि आपको सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस करनी है। नाउ द इक्वेशन इज, एक्स की जगह पर आप लिखेंगे क्या, 3, यही लिख देता हूं मैं, 3 का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड देन सॉल्व करेंगे तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द नदर पासिंग पॉइंट एंड दिस इज बी, और बी की वैल्यू आपके सामने क्या दे रखी है, 1 और 6। सेम कंडीशन रिप्लेस करेंगे, आप यहां पर ही रिप्लेस करेंगे। यहां पर एक्स की जगह पर आप 1 रखेंगे और वाई की जगह पर आप 6 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड देन 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, ये आपका बी है और ये 6 है। ओके, नाउ अब आपको समझना होगा इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान मेथड होता है। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इक्वेशन में 1 से और सेकेंड इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करा देनी है। तो एलिमिनेशन मेथड लग गया आपका, बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 9 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर आया, 1 नहीं 4 है, ये 4 आ गया। ओके, नाउ 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 9 से मल्टीप्लाई, 36 की कराएंगे तो कितना आएगा, 9 छिंग 54 का 4 हासिल के 5 और 9 27 और 5 32 32। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई इस 1 के साथ भी होगी तो कितना हो जाएगा, 9 अंडर
अंडरलाइन कर देंगे, माइनस 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 साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देन बचेगा क्या आपके पास, 4a² में से 324a² सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का निशान लगेगा, माइनस का आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 320 आएगा, 320 अपॉन a² इज इक्वल टू 1 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई वहां कर दो, 8 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 320 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन फाइनली ए स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 40। और ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है आप इसे पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में रखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है आपके सामने, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, आप यहां रखिए, मैं लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपके पास 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपने ए की वैल्यू यहां रख देनी है स्क्वायर पे, तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन प्लस 4 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। नाउ 4 वन जा 4, 4 टेन जा 40, राइट साइड में जाएगा, 9 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 10, एलसीएम लिया जाएगा तो 9 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम में 10 आएगा, 10 माइनस 1 9 होता है, 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 10, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, अब बी स्क्वायर को आप इधर ले जाइए है ना, और 10 को ऊपर मल्टीप्लाई 9 को नीचे मल्टीप्लाई, तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, द फाइनल आंसर 10 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर कितना आया 40, बी स्क्वायर कितना आया 10, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स यह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर। तो गाइज आपको समझ में आ गया, ये एलिमिनेशन मेथड आपको मैंने बताया किस तरीके से किया जाएगा और क्वेश्चन में क्या कहा गया था। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो पासिंग पॉइंट दे रखे हो तो आपको सिंपली इस प्रोसेस को फॉलो करना है, बस डिजिट चेंज होगी, क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है।